नमस्कार विद्यार्थियों, आदर शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन क्लास में आज हम कक्षा सप्तमी प्रश्नावली 1.1 विषय गणित के बारे में, विषय पूर्णांक कहा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूर्णांक के बारे में कुछ जानकारी ली थी, लेकिन पूर्णांक के बारे में एक बार मैं आपको पूर्ण जानकारी देता हूँ। जैसे पूर्णांक क्या है, पूर्णांक किसको कहते हैं, तो हमारे पास पूर्णांक का मतलब होता है जो भी संख्या होती है, जैसे 0 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है वो सारी क्या होती है, पूर्णांक होती है। जैसे मान लीजिए चाहे ऋणात्मक संख्या हो, जो भी ऋणात्मक संख्या होती है सारी वो भी एक पूर्णांक होती है, जितनी भी धनात्मक संख्या होती है वो भी सारी पूर्णांक होती है। तो ऋणात्मक संख्या का मतलब है जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे जितनी भी आगे देखेंगे हम वो सारी के सारी पूर्णांक होगी। ऐसे ही धनात्मक का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे जो भी हम लिखते जाएंगे वो सारे के सारे धनात्मक अंक भी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ऐसे ही इनके साथ में हमारे पास जो शून्य है वो भी एक पूर्णांक ही होता है। इसका मतलब ये होते हैं हम जो भी संख्या लिखते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, पूर्णांक की होती है। जैसे कोई भी संख्या लिख दी, मान लीजिए हमने लिख दी 101, -500, 200, 1001, ऐसे हमने कोई संख्या लिख दी। अब मैं कह सकता हूँ ये भी पूर्णांक है, -500 ये भी एक पूर्णांक है, 200 ये भी पूर्णांक है और 1000 ये भी एक पूर्णांक है, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा था जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है वो सारी क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस की जो संख्या होती है वो सारी की सारी ऋणात्मक, या ऋणात्मक संख्या होती है वो सारी पूर्णांक होती है। जो भी धनात्मक संख्या होती है, जितनी भी धनात्मक संख्या होती है वो सारी क्या होती है, पूर्णांक होती है, ये सारी धनात्मक है। और इनके साथ में हमारे पास जो शून्य है वो भी एक पूर्णांक है। इसके आगे हम, ये तो हमारा था पूर्णांक के बारे में, अब हम आगे इनके अगले बारे में चर्चा करेंगे, वो हमारा है संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में पता करना। जैसे हमारे पास कोई एक रेखा खींची हुई है, ये एक सीधी रेखा है, इस रेखा के एकदम जो बीच का बिंदु होता है उसको हम 0 बोलते हैं। अब ये अभी हमारे पास एक रेखा है, इसको हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर अंक दर्ज करेंगे। जैसे मान लीजिए इधर को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट है और ये राइट साइड है, तो इधर जो अंक होगा वो तो होगा धनात्मक। इस रेखा पर इधर जो अंक लिखे जाएंगे वो तो धनात्मक अंक कहलाएंगे, और इधर जो अंक लिखे जाएंगे लेफ्ट साइड में वो होंगे ऋणात्मक अंक, ऋणात्मक अंक। तो इस रेखा पर मान लीजिए यहाँ से हमने दर्शाना शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे आगे जो भी लिखते जाएंगे वो ये सारे के सारे क्या होंगे, धनात्मक अंक होंगे। ऐसे इधर देखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, अभी जो भी लिखते जाएंगे ये सारे ऋणात्मक अंक होंगे। और अब ये इसको बोलेंगे हमें संख्या रेखा। तो ये हमारे पूर्णांक और संख्या रेखा के बारे में बताया था। अब हमारी प्रश्नावली 1.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है, उनके बारे में हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए एक संख्या रेखा दे रखी है, पहला प्रश्न है इसका, ये एक संख्या रेखा है, इस पर मान लीजिए हमारे पास कुछ स्थानों के नाम दर्शाए गए हैं। तो हमारे पास इधर चलते हैं, सबसे पहले इधर इसके यहाँ पर दे रखा है 0, 0 के इधर आगे 0 के बाद में 1 और 2, तो यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ माइनस के 2 लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर दर्शाया हुआ है हमारे पास है श्रीनगर। यहाँ पर स्थान का नाम दे रखा है वो है
श्रीनगर। इसके जब आगे चलते हैं तो हमारे पास है यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 4 और यहाँ आएगा 5। इसके आगे चलेंगे तो 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारी संख्या किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, क्योंकि इधर ऋणात्मक अंक दर्शाए जाते हैं। तो अब इसके आगे जो दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है, वो है लाहुल स्पीति, लाहुल स्पीति। अब जीरो के इधर आगे चलेंगे तो यहाँ पर जीरो से आगे 1, 2, 3, 4 और 5 इस पर यहाँ पर दर्शाया गया है वो है शिमला। फिर आगे चलेंगे 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 हो गए। अभी यहाँ तक कोई भी नाम नहीं दे रखा है। इसके आगे चलेंगे तो 11, फिर 12, 13, 14 और यहाँ हो जाएंगे 15 हो गए। इस 14 पर दे रखा है वो है ऊटी, और इसके आगे दे रखा है वो है 15 के बाद में 16, 17, 18, 19 और ये हो जाएगा 20, और इसके आगे दे रखा है वो है 21 और 22। यहाँ तक ही रहेंगे हम, इसको दे रखा है बेंगलोर। तो अब हमें इस संख्या रेखा के आधार पर बताना है कि इसमें हमारे इधर जो दे रखा है वो तापमान, यानी ये जो इधर बढ़ेंगे जितना भी इधर हम आगे बढ़ते जाएंगे इसको बोलते हैं ऋणात्मक अंक। तो ऋणात्मक साइड में जितने भी हम बढ़ेंगे उतना ही वो क्या होगा, तापमान घटता जाएगा। मान लीजिए माइनस का एक दे रखा है, ये माइनस का एक मैं कहूँगा इस माइनस 10 से बड़ा है, क्योंकि माइनस एक है वो जितनी भी माइनस की जितनी भी छोटी संख्या होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। तो हमारे यहाँ पर इससे -2 से -1 पर तापमान ज़्यादा है, यहाँ पहुँचेंगे तो तापमान और कम हो जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे तो और कम हो जाएगा, और -10 तक पहुँचेंगे तो बहुत तापमान कम हो जाएगा। और इस तरह हम बढ़ेंगे ऋणात्मक संख्या की ओर बढ़ेंगे तो हमारा तापमान है वो बढ़ता जाएगा। इस साइड में मान लीजिए यहाँ पर 5 पर है, फिर 10 पर है, फिर 15 है, फिर 20 है, ऐसे आगे 25, जितना भी आगे बढ़ेंगे तो हम कहते हैं कि हमारा तापमान आज 45 डिग्री सेल्सियस हो गया या 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका मतलब ये तापमान बहुत ज़्यादा है। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो केवल हमारा जो ए नंबर दे रखा है उसमें पूछा है इस संख्या रेखा, इस संख्या रेखा को देखिए और निम्न के तापमान बताइए, इनके तापमान बताने हमें। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है लाहुल स्पीति, उसके बाद में दे रखा है श्रीनगर, फिर दे रखा है शिमला, फिर दे रखा है ऊटी, उसके बाद में दे रखा है बेंगलोर। इन सब का हमें तापमान बताना है। तो तापमान सीधा दे रखा है ऐसा कैसा ही हम यहाँ बता देंगे। तो सबसे पहले ये लाहुल स्पीति का तापमान है वो दे रखा है -8 डिग्री सेल्सियस। आगे श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला का तापमान दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस और ऊटी का तापमान है वो है 14 डिग्री सेल्सियस और फिर बेंगलोर का जो तापमान दे रखा है वो है 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा ए नंबर क्वेश्चन था, ये कंप्लीट है। ऐसे ही बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर बताइए। तो इसमें पूछा है तो सबसे गर्म, यानी सबसे गर्म स्थान कौन सा है वो लिखना, और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, उन दोनों के बीच का हमें अंतर बताना है। तो सबसे गर्म, इसका मतलब सबसे गर्म होगा वो इस साइड में, यानी 22 बेंगलोर, ये बेंगलोर है सबसे गर्म है, और सबसे जो ठंडा स्थान है वो है कौन सा, लाहुल स्पीति। ये हो गया सबसे ठंडा स्थान। अब बेंगलोर का जो तापमान दे रखा है वो 22 डिग्री सेल्सियस
और लाहौल स्पीति का जो तापमान दे रखा है वो हमारे पास है -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसका अंतर बताना है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका अंतर बताएंगे, इसका मतलब ये है इन दोनों का अंतर बताते समय हम माइनस करेंगे 22 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाता है, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ से लेकर जब यहाँ तक हम इनका अंतर बताएंगे तो ये जुड़ने के बाद में होता है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनका अंतर है जो दोनों का अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जब लिखेंगे या इनका अंतर पता करेंगे तो 1, 2, 3 इनके जो बीच वाले हम गिनेंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, 30 डिग्री सेल्सियस इसका अंतर आएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर सी, उसको देखेंगे। इसका पहले का सी है वो है प्रश्न कह रहा है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर, सबसे पहले लाहौल स्पीति के बारे में लिखेंगे, लाहौल स्पीति और श्रीनगर इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो लाहौल स्पीति है हमारे पास, इसका तापमान दे रखा है -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का जो तापमान दे रखा है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का दे रखा है -8 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से हमें क्या करना है, इनका अंतर पूछा है, इनका अंतर यानी इनके जो बीच वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इनका अंतर आ जाएगा वो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। आएगा कैसे देखो, -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, इसका मतलब -8 डिग्री + 2 बराबर हो जाएंगे ये 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे, -6 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है यानी इसका अंतर हो जाएगा। लाहौल स्पीति और श्रीनगर का अंतर है वो हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही डी नंबर क्वेश्चन है वो है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ये पूछा है कि क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर, यानी शिमला और श्रीनगर, शिमला और श्रीनगर के तापमान से, ये पूछा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला, ये शिमला का तापमान दे रखा है और ये श्रीनगर का तापमान दे रखा है, तो शिमला का तापमान है वो है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर का तापमान शिमला के तापमान से श्रीनगर का कम है, तो 5 डिग्री सेल्सियस इसका दे रखा है। अब ये कह रहा है क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, यानी इन दोनों का योग करना है, 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस और माइनस क्या होता है आपस में, माइनस इसका मतलब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके 3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये पूछा है कि शिमला और श्रीनगर के तापमान से शिमला के तापमान से कम है, हाँ ये शिमला के तापमान से श्रीनगर का तापमान कम है, तो इसमें हाँ आएगा। एक इसमें क्वेश्चन और पूछा है इसी में भी, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान से इन दोनों का योग है वो, ये कह रहा है कि इन दोनों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। श्रीनगर का तापमान हमारे पास दे रखा है -2 डिग्री और इन दोनों का योग आता है 3 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये नहीं है, यानी इसका जो तापमान है वो श्रीनगर से कम है नहीं है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, पहले के 4 क्वेश्चन ए बी और सी और डी। ऐसे ही हम कुछ उदाहरण हमारे पास दे रखे हैं, उदाहरण मिलाएंगे आगे वाले क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में बताएंगे। हरिओम।